यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता, इसलिए इनको मेरे सामने से निकाल दे कि वे निकल जाए, और यदि ये तुझसे पूछे कि हम कहां निकल जाए तो कहना कि यहोवा यो कहता है कि जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, और जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, और जो भूखे मरने वाले हैं वे भूखो मरने को, और जो बंधुए होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाए। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध चार प्रकार की वस्तुएं ठहराऊंगा, अर्थात मार डालने के लिए तलवार, और फाड़ खाने के लिए कुत्ते, और नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। यह हिचकिया के पुत्र यहूदा के राजा मनुष्य के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा, और कौन तेरे लिए शोक करेगा, व कौन तेरा कुशल पूछेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू जो मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उगता गया हूं, और मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है। उन्होंने जो कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वश किया और नाश भी किया। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माता के विरुद्ध दोपहरी को मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया। सात लड़कों की माता भी बेढाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया, और जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए और न किसी ने मुझको ब्याज पर रुपए दिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय मैं विपत्ति और कष्ट के समय शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। क्या कोई पीतल व लोहा व उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने उसके सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं बिना दाम लिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरा धन शत्रुओं के साथ ऐसे देश में जिसे तू नहीं जानती है चला जाएगा, क्योंकि मेरे प्रकोप की आग भड़क उठी है और वह तुझको जलाएगी। हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी सुधी ले, मेरे सताने वालों से पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे न उठा ले, क्योंकि तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है। जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं, तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया है। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यो कहा कि यदि तू फिरे तो मैं तुझे फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा, और यदि तू अनमोल को निकम्मे से निकाले
तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरे तो फिरे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना, और मैं तुझे उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे संग हूं, यहोवा की यह वाणी है। और मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा।